गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ एंड एट. ओके, दिस वीडियो इज फॉर बोथ द क्लासेस, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सेवेंथ एज वेल एज एट. एट्थ वाले बच्चे स्टडी कर चुके हैं सब चीजें, बस रिवाइज करना है. सेवेंथ वालों को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है कि कुछ नई चीजें उन्हें मिलेंगी. बेटा, आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स दोनों की बुक में सेवेंथ ही चैप्टर है, और ध्यान से सुनिए, जो भी आपको बताया जाएगा कुछ भी मिसिंग नहीं होगा उसमें. ठीक है, सेवेंथ और एट दोनों के लिए, दोनों स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनिए. बेटा, यू नो दैट देयर आर थ्री आर्टिकल्स, ए एन एंड द. आपको पता है बेटा कि थ्री आर्टिकल्स होते हैं, ए एन और द. और आर्टिकल भी क्या है, डिटरमिनर है. ठीक है, जो नाउन को स्पेसिफाई करता है, डिटरमिनर का ही काम होता है. जो इन्होंने दिया ना आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर, तो आर्टिकल इज अ काइंड ऑफ डिटरमिनर. डिटरमिनर में बहुत सी चीजें आती हैं, आर्टिकल्स भी आती हैं. ठीक है, डिटरमिनर क्या करता है, नाउन की मीनिंग को स्पेसिफाई करता है, उसको लिमिट करता है. तो इसीलिए ये समझो कि आर्टिकल्स क्या है, ये भी एक डिटरमिनर है जो नाउन के पहले यूज किया जाता है. ठीक है, डिटरमिनर किया ही जाता है नाउन के पहले यूज. तो ये आर्टिकल्स बेटा थ्री टाइप्स के होते हैं, नॉट थ्री टाइप्स, देयर आर ओनली थ्री आर्टिकल्स, ए एन द. ठीक है, इसमें ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है. ऐसा क्यों है? ए और एन जो है वो किसी पर्टिकुलर या किसी निश्चित पर्सन या थिंग के लिए यूज नहीं होता, एक जनरल यूज है इसका. हाँ, एक बात और है कि इसका मीनिंग वन भी होता है, ए और एन का. तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि काउंटेबल नाउन के पहले ही आप ए और एन का यूज कर सकेंगे. क्यों? क्योंकि ए मीन्स वन, एन मीन्स वन. ठीक है, इसीलिए आप काउंटेबल नाउन्स के पहले इसका यूज करिएगा. अब सुनिए, देखिए बहुत स्पेशल कंडीशन में जैसे कि अ लिटिल, तो यहां काउंटेबल नाउन नहीं है. लेकिन एक जनरल बात जो है वो मैं बता रही हूं, एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, एक्सेप्शंस की बात छोड़ी, वो तो हर जगह है. हिंदी व्याकरण हो, इंग्लिश ग्रामर हो, एक्सेप्शंस हर जगह है. ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम जो स्थिति होती है कि कहां पर ए और एन का यूज करें, तो वो होता है काउंटेबल नाउन्स के. कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहां अनकाउंटेबल के पहले भी इसका यूज होता है, वो मैं बताऊंगी आपको. ठीक है, तो देखिए अब सवाल ये उठता है बेटा कि कहां ए कहां एन, तो ये भी तुम लोग जानते हो. लेकिन छोटे क्लासेस में आप लोगों को ये बताया जाता है कि बेटा नाउन को देखना, जिसकी शुरुआत, जिसके स्पेलिंग की शुरुआत वॉवेल से होगी, ए ई आई ओ यू वॉवेल से होगी, तो उसके पहले ए एन एन लगा देना. जैसे एप्पल है, ए डबल पी एल ई एप्पल, तो एप्पल ए से स्टार्ट है, तो उसके पहले ए एन एन लगेगा, ए वॉवेल है इसलिए. और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल बी ए टी बैट, बी कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने पर तुम लोग ए लगाओगे. एक तो जनरल बात ही हो गई. ठीक है, लेकिन एक्चुअली वॉवल और कॉन्सोनेंट लेटर नहीं देखा जाता कि नाउन के पहले क्या लेटर यूज किया गया है.
वॉवल की कॉन्सोनेंट, ये देखा जाता है कि जो लेटर हमने यूज किया है उसका साउंड क्या है। साउंड यदि वॉवल का होगा, ठीक है, तब आप ए एन एन यूज करोगे, और साउंड यदि कॉन्सोनेंट का होगा तो ए यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनिए, ठीक है, बुक आपके सामने है, बुकिश नॉलेज जो है सुनिएगा ध्यान से। जैसे आप बोलते हो एच ओ एन ई एस टी, हॉनेस्ट, आपको बचपन से सिखाया गया कि बेटा इसको हॉनेस्ट मत बोलना, ठीक है ना, हर टीचर ने बताया आपको कि हॉनेस्ट मत बोलना, इसको ऑनेस्ट बोलना। तो जब ऑनेस्ट बोला जा रहा है तो साउंड क्या आ रहा है, अ, ह का साउंड नहीं आ रहा है, एच से ह होता है, एच का साउंड नहीं आ रहा है, अ वॉवेल का साउंड आ रहा है, तो ए एन एन लगाएंगे, एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं, एन ऑनेस्ट, ठीक है। इसी तरह से देखिए हम एक वर्ड लेते हैं यूनिवर्सिटी, तमाम इस तरह के वर्ड हैं, यूनियन, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, यूरोपियन, सब में क्या साउंड है, वाई यू का साउंड है, यू, और वाई क्या है, वाई कंसोनेंट है। तो जब वाई का साउंड आ रहा है, स्पेलिंग की शुरुआत तो हुई है वॉवेल से, यू से शुरुआत हुई है, ए ई आई ओ यू वॉवेल होता है, लेकिन साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट का साउंड है। तो जब कॉन्सोनेंट का साउंड है तो पहले क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, इसीलिए अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी, ठीक है, अ यूनिफॉर्म, अ यूरोपियन, इस तरीके से होता है। अच्छा, अब देखो जहां, जैसा कि हमने कहा कि भाई कभी अनकाउंटेबल के साथ भी आ जाता है, तो कहां आता है अनकाउंटेबल के साथ, जैसे देखो तुम लोगों को जब टीचर्स डांटते हैं क्लास में, डोंट मेक अ नॉइस कहते ना, डोंट मेक अ नॉइस, डोंट मेक नॉइजेस नहीं कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो नॉइज जो है ये तो अनकाउंटेबल है, काउंटेबल तो है नहीं, लेकिन इसके पहले अ का यूज होता है, ठीक है। इसके बाद देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, व्हाट अ पिटी, अब अ पिटी, अब बताइए पिटी कोई नाउन तो है नहीं, लेकिन इसके पहले अ का यूज हुआ है। इसी तरह से देखिए अ डजन ऑरेंजेस, चलो ये तो चलेगा भाई, एक दर्जन सही है, अ लॉट ऑफ टाइम, अब टाइम तो काउंटेबल नहीं है लेकिन अ लॉट ऑफ टाइम इस तरह से यूज किया गया, अ कपल ऑफ मिनट्स, फिर भाई एक्सक्लेमेशन वाला एग्जांपल दिया है, बता ही दिया गया। अब जैसे हिंदी में तुमसे कोई पूछे आलू क्या भाव है तो तुम कहोगे 30 रुपए किलो, कहोगे ना, अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ₹30 a kilo, ₹30 किलो नहीं बोलोगे, ₹30 a kilo बोलोगे, मतलब एक किलो का दाम 30 रुपीज है। तो ठीक है, ये भी काउंटेबल में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, अनकाउंटेबल वाला बहुत कम केस है। अब ऐसे ही देखो, मान लो कि कोई नाउन है और नाउन के साथ एडजेक्टिव भी लगा हुआ है, तब भी हम अ लगाते हैं, दिल्ली इज अ सिटी, ये भी सही है, और भी कहना है कि दिल्ली एक बड़ा शहर तो कहोगे दिल्ली इज अ बिग सिटी, लेकिन बिग के साथ नाउन लगा है तो दोनों मिलाकर के काउंटेबल है, ठीक है। सिटी की बात कर रही हूं, दिल्ली की बात नहीं कर रही हूं, दिल्ली तो एक ही है, ठीक है, लेकिन सिटी काउंटेबल है तो अ बिग सिटी इस तरह से करेंगे, यानी एडजेक्टिव के पहले भी लगता है, लेकिन केवल एडजेक्टिव के पहले नहीं, यदि उस एडजेक्टिव के बाद नाउन रहेगा तब एडजेक्टिव के पहले यूज होगा अ का, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कोई प्रोफेशन है, एन आर्किटेक्ट, तो आर्किटेक्ट भी नाउन ही है,
अनकाउंटेबल भी है। आई होप टू बी अ टीचर, टीचर भी नाउन है, काउंटेबल भी है, ठीक है। इस तरीके से बेटा अ और एन का यूज हमने देखा। मेन तुमको समझना केवल ये है अ और एन में कि जब कॉन्सोनेंट साउंड से तो हमें ए का यूज करना है, और जब नाउन वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो आपको ए एन एन का यूज करना है, ठीक है। और ये भी क्लियर हो गया कि नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव यूज किया गया है तो उस एडजेक्टिव की भी स्पेलिंग के अकॉर्डिंग ए और एन का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल एन ऑनेस्ट मैन में मैन नाउन है लेकिन ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है, लेकिन एच के साउंड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ए एन एन लगाया है या हम लगाते हैं, ठीक है। अब आइए द के बारे में बात करें। द को डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहा जाता है? द को डेफिनिट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन या थीम के पहले लगता है, जिसको हम जानते हैं या जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं फिर उसी के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसे देयर वॉज अ लॉयन इन द जंगल, जंगल में एक लॉयन था, ठीक। अब उसी लॉयन की बात फिर हमें कहनी है तो हम कहेंगे द लॉयन वॉज डेंजरस। जब उसी लॉयन की बात करनी, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुकी हूं, ठीक है ना, अब उसके लिए हमने द का यूज किया। पहले अ का यूज किया लेकिन जब उसी के बारे में बात करनी तो द का यूज किया। अब जिसको मैं जानती हूं, जैसे द बॉय इन ब्लू शर्ट, वह लड़का जो ब्लू शर्ट पहना है, यानी किसी खास लड़के की बात मैं कर रही हूं तो इसीलिए मैं कह रही हूं द बॉय, ठीक है बेटा। अच्छा, पहली बात मेरी। दूसरी बात क्या है कि जब किसी नाउन से पूरे ग्रुप की बात करनी है, पूरे ग्रुप या पूरे क्लास, क्लास का मतलब तुम क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री ये वाले क्लास से मत लो जो स्कूल में क्लास चल रहा है। क्लास का मतलब क्या, एक ग्रुप, ठीक है। तुम्हारा भी क्लास क्या है, क्लास सेवन है तो एक ग्रुप है सेवन्थ के बच्चों का, क्लास एट है तो एक ग्रुप है बच्चों का, सेम नॉलेज के बच्चों का, सेम एज के बच्चों का, एक ग्रुप होता है, ठीक है। तो क्लास का मतलब ग्रुप से है। तो ये कह रहे थे आपसे कि जब कोई नाउन पूरे ग्रुप की बात बताता है, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है तो उसके पहले द लगता है। जैसे द काउ इज यूजफुल, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो पूरे काउ के ग्रुप की बात हो गई, ठीक है, सारी गायों की बात हो गई कि गाय जो है वो यूजफुल है, ठीक है। और देखिए द कहाँ लगता है, जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। ध्यान से सुनिए, ये सब बातें पहले भी आप जानते हो लेकिन ध्यान से सुनो बेटा। सुपरलेटिव डिग्री जब भी आएगा, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, केवल टॉलेस्ट नहीं बोलोगे, द टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द जरूर आता है। एडजेक्टिव की थ्री डिग्रीज होती हैं, पता है ना, एडवर्ब में भी डिग्रीज आपको पढ़ाई गई हैं, सेम डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज जरूर होता है। इसके बाद देखिए, जो यूनिक चीजें हैं, यूनिक का मतलब हिंदी में अद्वितीय, यानी दुनिया में वैसी चीज दूसरी नहीं, से सन है, मून है, अर्थ है, स्काई है, तो जो भी यूनिक चीजें ना उनके पहले द लगता है, द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ की, ठीक। अच्छा, जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं, सेक्रेट बुक्स, या महान कृतियां हैं, ग्रेट बुक्स हैं, उनके पहले द जरूर लगता है। द कुरान, द बाइबल, द रामायण, ठीक है। देखिए, ये तो होली बुक्स, सेक्रेट बुक्स की बात हो गई, ग्रेट बुक्स में गीतांजलि का नाम दिया है, द गीतांजलि।
न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले द लगता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले द का यूज होगा, ठीक है। फेमस बिल्डिंग्स जो होंगी उनके पहले भी द का यूज होगा। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जैसे यूएसए, यूके, उनके पहले द का यूज होता है, सबके पहले नहीं, ठीक है। माउंटेन रेंजेस के पहले द का यूज होता है, माउंटेन पीक्स के पहले नहीं। माउंटेन रेंजेस, द हिमालय, द आल्प्स। इसके अलावा बेटा रिवर, सी, ओशियन, इन सबके नाम के पहले द का यूज होगा। ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, इन सबके नाम के पहले द का यूज होगा। जो ऑर्डिनल नंबर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऑर्डिनल नंबर्स के पहले द जरूर आता है, ठीक है। द फिफ्थ बॉय, द सिक्स्थ मंथ। डायरेक्शंस जो होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनके पहले द जरूर आता है। रेसेस जो हैं, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम, द क्रिश्चियंस, इनके पहले द जरूर आएगा। अब द की कुछ खासियत भी समझिए। हमने कहा केवल इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट का नाम है। सब्जेक्ट के नाम के पहले द नहीं आएगा, क्योंकि जानते हो यदि हम कह दिए द इंग्लिश, तो द इंग्लिश का क्या मतलब हो गया, द इंग्लिश मीन्स अंग्रेज लोग, ठीक है। सब्जेक्ट्स के नाम के पहले तुम द का यूज नहीं करोगे, क्योंकि देखो इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है, और यदि हम द इंग्लिश बोल दिए तो उसका मतलब हो गया कि अंग्रेज लोग। ऐसे ही देखो केवल रिच बोलेंगे, बहुत ध्यान दो, केवल रिच हमने कहा तो इसका मतलब अमीर, ठीक है। लेकिन द रिच कहा तो अमीर लोग, ठीक है। केवल पुअर कहा तो गरीब, द पुअर कहा तो गरीब लोग, फर्क समझिए। अब कहां द नहीं लगता, आप बच्चों का नाम है, किसी के पहले द करके बुलाया जाता है, द रवि उठो, द राजीव उठो, द सोनू उठो, द मोनू उठो, कभी कहते हैं नहीं ना आपके नाम के पहले। कहने का मतलब किसी के नाम के पहले द का यूज नहीं होगा, किसी पर्सन के नाम के पहले, किसी टाउन का नेम हो। कंट्री में भी केवल दो एग्जांपल मैंने आपको बताया, बहुत कम कंट्रीज के पहले द आता, नहीं तो नहीं आता। कंटिनेंट्स के नाम के पहले, माउंटेन पीक्स के नाम के पहले द नहीं आएगा, माउंटेन रेंजेस के नाम के पहले द आएगा, लेकिन माउंटेन पीक्स के नाम के पहले द नहीं आएगा। स्ट्रीट्स के नाम के पहले द नहीं आएगा, ठीक है। वीक और मंथ का नाम जो होता है, मंडे, ट्यूसडे या जनवरी, फरवरी, इनके पहले द नहीं आता है। मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का यूज नहीं होता है, ठीक है। बेटा जो मील्स होते हैं, मील का क्या मतलब, देखो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, ये सब जो भी है, इसके पहले द का यूज नहीं किया जाता है। इसके अलावा देखिए जो लैंग्वेजेस हैं, हिंदी है, मराठी है, तेलुगु है, लैंग्वेजेस, भाषाएं, इनके नाम के पहले द का यूज नहीं होगा। रिलेशंस जो होते हैं, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशंस के नाम के पहले भी द का यूज नहीं होगा, ठीक है। और यदि जैसे कि मान लो हमने कहा किंग, केवल किंग कहा, तब तो आप द किंग कह सकते हो, लेकिन किंग के बाद किंग का नाम भी है, ठीक है। जैसे किंग जोसेफ, यदि किंग के साथ किंग का नाम भी है तो आप द नहीं लगाएंगे, ठीक है। अकेला द किंग बोलना है तो आप कह सकते हैं, लगा सकते हैं द, लेकिन यदि किंग का नाम है, यही बात क्वीन के लिए भी लागू होती है। केवल क्वीन में द लग सकता है, लेकिन
यदि क्वीन के साथ क्वीन का नाम है तो आप द नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब बेटा रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल में एक ही चीज आपको ध्यान से समझनी है, मैं बता दे रही हूं। जैसे कि देखो मैंने कहा, देखिए इसी में से मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, द पोएट एंड कंपोजर, ठीक, यानी एक ही व्यक्ति पोएट भी है और वही व्यक्ति कंपोजर भी है। क्यों? एक ही बार आर्टिकल का यूज हुआ है, दूसरी बार आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। और जब हम कहेंगे द पोएट एंड द कंपोजर, यानी दोनों के पहले आर्टिकल लगा है, यानी पोएट अलग है और कंपोजर अलग है। और एक बात मैं बता दूं, ये जो मैं बोल के समझा रही हूं एक एक चीज, ठीक है, क्यों समझा रही हूं, पेपर जो आएगा जरूरी नहीं केवल एक्सरसाइज में से आ जाए, जो मैं समझा रही हूं बीच में से भी मैं पेपर दे दूंगी, ट्रू है फॉल्स है या अपने मन से आर्टिकल आपको लगाना है, केवल आप बिना समझे एक्सरसाइज केवल रटेंगे उससे कल्याण होने वाला, ठीक है। अब एक चीज मैं और बता दूं, उसके बाद मैं लेसन क्लोज कर रही हूं आपका। देखिए डिटर्मिनर की बात आती है, मैंने पहले ही कहा कि डिटर्मिनर जो है वो नाउन को कह लीजिए स्पेसिफाई करता है या क्लैरिफाई करता है या उसकी मीनिंग को एक लिमिट देता है, ठीक है, डिटर्मिनर जो है। और ये कई तरीके का होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी आपने बताया था शुरू में कि आर्टिकल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिटर्मिनर। अब सीधे कैटेगरीज को देखिए, आर्टिकल्स पजेसिव्स डेमोन्स्ट्रेटिव्स डिस्ट्रीब्यूटिव्स नंबर एक्सप्रेशन और क्वांटिफायर्स इंट्रोगेटिव, ये सब सब के सब डिटर्मिनर है। नाउन के पहले जो आए वो सब डिटर्मिनर है, ठीक है। तो बहुत टेंशन इसमें लेने की जरूरत आपको नहीं है, ये आपका लेसन ओवर हो गया और एक्सरसाइजेज आपकी जान। ओके बेटा, थैंक यू।